माँ का संजोग चल रहा है, मनमोहन जी को हराया था मोदी जी, अब मोदी जी को हराएंगे माया जी। बताइए, इस देश में मुसलमानों का अधिकार नहीं है, देश में मुसलमान बोल नहीं सकता है। जो चुने हुए प्रतिनिधि को संसद भवन में इस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरा लोकसभा स्पीकर बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी बसपा के सांसद को अपशब्द बोलना, ये कहाँ तक जाए। जो रमेश विधूड़ी उनका नाम है, वो भी जो भाजपा के जो रणनीतिकार है, आरएसएस के रणनीतिकार है, बैकवर्ड समाज से ही है, उनको यूटिलाइज किया जाता है बैकवर्ड लोगों से बोलवा करके। मैंने ये जो भाजपा का आरएसएस का जो एजेंडा है वो तो करेंगे ही, वो चाहेंगे हिंदू मुसलमान लड़ जाए, आपस में बिखर जाए। और जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में इस तरह की हालत है तो देश बहुत खतरे में है ना है। अगर जब हमारे सांसद के साथ इस तरह व्यवहार होगा तो हमारे आम पब्लिक के साथ क्या होगा जी। हम लोग बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे 2024 में, पकौड़ा तलेंगे। मोदी जी आपके पकौड़ा तलेगा तो खाएगा कौन, सब लोग पकौड़ा तल तो खाएगा कौन। इस वक्त मैं बिहार के औरंगाबाद में हूँ, यहाँ पे बीएसपी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे चल रहा है। और जिस प्रकार से बीएसपी लगातार बिहार के कोने कोने तक जा रही है, बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है, जो मोर्चा है, लगातार बिहार में एक्टिव होती दिख रही है, नए तेवर, नए क्लेवर, नई एनर्जी के साथ बिहार में काम हो रहा बीएसपी का। उसी के तत्वाधान में यहाँ पे एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी में अमर आजाद जी हैं, बीएसपी के युवा चेहरा हैं, ये भी मौजूद हैं। इन लोगों से बात करेंगे, क्या सम्मेलन में, सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है। लगातार आप लोग घूम रहे हैं बिहार में, कुछ बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है कहाँ तक पहुँच पाया है। उद्देश्य तो हम लोग का बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और मानवर काशीराम जी का जो पूरे देश में बहुजन समाज को सशक्त बनाना, उसको उसकी सरकार बनाना, बहुजनों को ताकत देना, बहुजनों को पावर देना, यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के तौर पर बिहार प्रभारी श्री अनिल कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। अभी हम लोग राजधानी में भी बड़ा कार्यक्रम किए थे, उसी के एवज में हम लोग यहाँ पर आए हैं। औरंगाबाद जिला के नबीनगर में हजारों की संख्या में लोग जुड़े हैं और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने के लिए लोग तत्पर हैं। और जो देश में एकमात्र जो बहुजन आइडियोलॉजी की पार्टी है, जो मानवर काशी साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, संत रविदास, पेरियार की विचारधारा को जो मानने वाली पार्टी है, वो बसपा ही है। इसलिए हम लोग बसपा का पूरे विस्तार कर रहे हैं। चुनाव को लेकर सर क्या तैयारी, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, दोनों मजबूत गठबंधन है, इसमें बीएसपी खुद को कहाँ देखती है। देखिए, बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बीएसपी भारत में तीसरा विकल्प के रूप में उभर रही है। और लोग ये नहीं चाहते हैं कि दलित नेतृत्व सत्ता में आए, उनकी आइडियोलॉजी आए, ये लोग नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो देख रहे हैं ना किस तरह से संसद भवन में हमारे सांसद को भाजपा के सांसद ने इतना अपशब्द किया, कि व्यवहार किया, और ये पूरे शर्मसार अलोकतांत्रिक घटना है। उस सांसद को सस्पेंड करना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए, जो पूरे देश में, बताइए, इस देश में मुसलमानों का अधिकार नहीं है, इस देश में मुसलमान बोल नहीं सकता है। जो चुने हुए प्रतिनिधि को संसद भवन में इस तरह से प्रधानमंत्री वहां पर बैठे हुए हैं, पूरा लोकसभा स्पीकर बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी बसपा के सांसद को अपशब्द बोलना, ये कहां तक जाए। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्या बीएसपी सड़कों पे आएगी, जिस प्रकार से अपशब्द कहे गए दानिश अली साहब को लेके, बीएसपी का क्या रोड सड़कों पे आएगी बीएसपी? बिल्कुल, सड़कों पर हम लोग आंदोलन कर ही रहे हैं, लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग लगातार हर जिला में हमारा कार्यक्रम हो रहा है, हर जिला में प्रोग्राम हो रहा है बहुजन समाज पार्टी का। और हम लोग बिहार का जो पार्लियामेंट का चुनाव है उसमें भी हम लोग मजबूती से हर लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी सर आप एक शानदार भाषण भी दे रहे थे और दानिश अली जी के बारे में जो भी हुई उसको लेकर क्या लगता है कि भाजपा के सांसदों को ये मानसिकता कहाँ से आती है, किसके सह पे ये सब कुछ बोल रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए, ये सब एजेंडा जो रमेश विधूड़ी उनका नाम है, वो भी शायद बैकवर्ड समाज से ही है, उनको यूटिलाइज किया जाता है। जो भाजपा के जो रणनीतिकार है, आरएसएस के रणनीतिकार है, कि बैकवर्ड लोगों से बोलवा करके, दलित के खिलाफ में, मुसलमान के खिलाफ में बोलवा करके उनका खुद पॉलिटिकल करियर अब खतरा में आ गया है। और
प्रधानमंत्री जी का इस विषय पर चुप रहना बिल्कुल एकदम शोभा नहीं देता है। हम लोग निंदा करते हैं कि जल्द से जल्द क्या हिंदू मुस्लिम करने की फिर से कोशिश है देश में। जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, हिंदुत्व के मुद्दे पे भाजपा फ्रंट फुट पे खेलती है, तो क्या लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम का इशारा है? बिल्कुल, देखिए हिंदू मुसलमान तो होता ही है। मैंने ये जो भाजपा का आरएसएस का जो एजेंडा है वो तो करेंगे ही, वो चाहेंगे हिंदू मुसलमान लड़ जाए, आपस में बिखर जाए। और जो बहुजन आइडियोलॉजी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है, काशीराम जी की आइडियोलॉजी है, बहन मायावती जी की आइडियोलॉजी है, वो दब जाए, तो हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। यह देश में सभी का है, हिंदू मुस्लिम दलित बैकवर्ड सब का है। हम लोग हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं मानते। आप तो बड़े चेहरे हैं बहुजन समाज पार्टी के बिहार में युवाओं में से, तो क्या लगता है बहन जी या फिर आप लोग के अंदर की क्या बातें हैं? क्या एनडीए तरफ जाएंगे या स्वयं लड़ेंगे या एनडीए तरफ जाएंगे? देखिए हम बोले ना कि वो तो बहन मायावती जी निर्णय लेंगी। हम लोग ऐसे पूरे देश में पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और उनका वो तो साफ स्पष्ट कह दिया कि हम लोग अभी नहीं इंडिया गठबंधन में है, नहीं एनडीए गठबंधन में है। हम लोग बाबा साहेब तो मिल रहा है सर इंडिया तरफ से आप लोगों को? नहीं, मिल रहा है वो अलग बात है, वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि उनको क्या करना है, किनसे गठबंधन करना है, पर अभी हम लोग पूरे देश में तीसरा विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। बिहार में अपनी स्थिति में कितना सुधार आप देख रहे हैं जब से आप लोग आए हैं? कुछ नया कलेवर तो दिख रहा है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग का हर जिला में बीएसपी जो यहाँ पर एकदम मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, जिस तरह से अनिल कुमार जी बिहार प्रदेश के प्रभारी बने हैं, तो तमाम जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बाबा साहेब की विचारधारा को हम लोग गाँव जिला तक पहुंचा रहे हैं और इससे पार्टी और मजबूत हो रही है, बहन मायावती जी को मजबूत कर रहे हैं। थैंक यू सर। देखिए इस वक्त औरंगाबाद में हम लोग हैं और जिस प्रकार से यहाँ पे भीड़ है, जो बिहार प्रदेश कमेटी से लोग आए हुए हैं लगातार उनको सुनने के लिए, तमाम तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, महिलाएं थी हॉल में, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। महिलाओं की संख्या 50% के बाउंड में है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और जो सामाजिक आंदोलन से जुड़ाव रखते हैं तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोगों को देख लीजिए, ये लोग यहाँ के कार्यकर्ता हैं और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आए। क्या नाम हुआ आप लोगों का? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, बलिया पंचायत से हैं और इस बार की प्रधानमंत्री हमारे बहन जी बनेगी। सीना ठोक के बोलते हैं बहन जी बनेगी तो बहन जी बनेगी। मोदी जी इतने ताकतवर हैं, कैसे हराइएगा उनको? मोदी जी का तन मन धन का ताकत है, तो हमारी तन मन और वोट की ताकत है। हम वोट से बहन जी को मंत्री बनाने का अथक प्रयास करेंगे, एड़ी चोटी लगाने का कोशिश करेंगे। सब जितने भाई हैं, जितनी बहन हैं, हम एक जनमत होकर के और बहन जी का केंद्र में प्रधानमंत्री बनाने का जागरूकता करेंगे, कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे। का क्या नाम हुआ? मेरा नाम है चितरंजन दास। अभी एक प्रकरण हुआ है, बीएसपी के सांसद हैं अलवर ये दानिश अली जी, है ना, उनको अपशब्द कहा है बीजेपी का एक सांसद ने, कैसे देखते हैं आप लोग? बहुत यह निंदनीय बात है, जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में इस तरह की हालत है तो देश बहुत खतरे में है। हाँ, लेकिन एक बात मेरा कहना चाहूँगा कि माँ का संजोग चल रहा है, मनमोहन जी को हराया था मोदी जी, अब मोदी जी को हराएंगे माया जी। हाँ बिल्कुल, ऐसा होने वाला है। क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं? हम बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष है, कुटुम्बा का। हम लोग साली पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत निंदनीय घटना है। अगर जब हमारे सांसद के साथ इस तरह व्यवहार होगा तो हमारे आम पब्लिक के साथ क्या होगा? ये बहुत दुखद और निंदनीय घटना है। वैसे जो सांसद हैं, जो अशब्द बोलते हैं, किसी को मुल्ला बोलते हैं तो किसी को कुछ बोलते हैं, ये बहुत संविधान के लिए भी बहुत निंदनीय और खतरनाक है। में गुस्सा है क्या दानिश अली को जिस प्रकार से बोला गया है? जी हम लोग बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। माननीय पार्टी इतने मजबूत पीएम है, कैसे उखड़ेंगे? तानाशाही सरकार में है, तानाशाही सरकार एकदम है। देखिए ब्रजभूषण ने क्या हाल किया है, ब्रजभूषण बीजेपी के सांसद है ना जी, जनता की सरकार है, जनता की सरकार, जनता को 5 kg राशन दे रहे हैं मोदी जी। जनता क्या काम नहीं ना चलेगा 5 kg राशन से? हमको नौकरी चाहिए,
ये 5 किलो ऐसा दाना छीट रहे और 5 किलो पे लोग मैंने मतलब पूर्वक पकौड़ा तलिए पकौड़ा तलेंगे मोदी जी। आपको पकौड़ा तलेगा तो खाएगा कौन? सब लोग पकौड़ा तलेगा खाएगा कौन? सब लोग स्टूडेंट बीजेपी वाला खाएगा। बीजेपी वाला कहाँ खाएगा? वो तो बोल रहा है लोग खाएगा कौन? कोई खाने तैयार नहीं है। चलिए तो ये लोग हैं, कार्यक्रम अभी चल रहा है, इंटरप्शन हो रही है तो इसको लेके हम इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ, रवि मेहता औरंगाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।